वेलकम फ्रेंड्स, ट्रू विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेफ केलर द्वारा लिखी हुई किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में। यह एक बेस्ट सेलर किताब है। केलर का कहना है, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है और पॉजिटिव है तो आपको सब पॉजिटिव ही दिखेगा, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपको सब नेगेटिव दिखेगा, जिस स्थिति में आपका सक्सेसफुल होना मुश्किल है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जहां नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं। बचपन से ही हमारा एटीट्यूड नेचुरली पॉजिटिव होता है, जिसके कारण हम बचपन में कुछ भी करने से हिचकिचाते नहीं हैं, हमें कोई इनहिबिशंस नहीं होती हैं किसी भी काम करने में। धीरे धीरे बड़े होते हुए जैसे जैसे हम कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के कारण अपने एटीट्यूड में बदलाव महसूस करते हैं। अगर हम निरंतर पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें तो हम लाइफ में सक्सेसफुल रह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक के लाइफ में हुए नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हम अपनी लाइफ में हटा सकते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड डिवेलप करके। जेफ कहते हैं, यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर एटीट्यूड। We must take control of our mental activity and thinking positively throughout each and every day until it becomes a habit. हमें एक आदत बना लेनी होगी पॉजिटिव सोचने की, तभी ये चीज़ काम करेगी, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम 15 मिनट पॉजिटिव सोचें और बाकी के पूरे दिन हम नेगेटिव लोगों के साथ रहें, नेगेटिव बातें करें, तो उससे वो बात नहीं बनेगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने थॉट्स को, अपनी सोच को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं वैसा ही होता है। दिस इज अ नेचुरल लॉ। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है। ये सब नेगेटिव एटीट्यूड, और आपको उस काम करने में ये सोचने का एक ऑब्स्टिकल का काम करता है ऐसा सोचना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप डेवलप कर सकते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़कर और पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर। आपको देखना होगा कि आप पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें और सबसे कुछ सीखते रहें कंटिन्यूअसली। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेंटल मूवीज बनाना जरूरी होता है। अपने दिमाग में सोचना कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो कैसा लगूंगा, कैसी मेरी लाइफ होगी, क्या इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। इमेजिन करने से आप लाइफ में जो चाहते हैं वो मिल जाने के बाद आप उसको कैसा महसूस करेंगे, वो सब सोचना ही मेंटल मूवीज कहते हैं। आपको अपने आप से कमिटमेंट्स करने होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तभी आप उनको फॉलो कर पाएंगे और गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इस सफर में फेलियर्स भी अपना रोल अदा करते हैं, वे अपने नए एक्सपीरियंस देते हैं, हमें नए एक्सपीरियंस देते हैं। हर एक छोटे बड़े फेलियर्स के साथ हमें एक नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो हमें उन जैसे और ऑब्स्टिकल्स और फेलियर से लड़ने के लिए और स्ट्रांग बना पाते हैं। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। द वर्ड्स यू कॉन्स्टेंटली सेलेक्ट विल शेप योर डेस्टिनी। योर वर्ड्स इनफोर्स योर बिलीव्स एंड योर बिलीव्स क्रिएट योर रियलिटी। जिस तरह के शब्द हम यूज करते हैं, मान लिया वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसी तरह के हम बिलीव्स डिवेलप कर लेते हैं दिमाग में, मेंटल मेकअप्स बना लेते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमारा फ्यूचर डेवलप होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हम सोचते हैं कि अपने आप में कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अस्वस्थ रहता हूँ, मैं बीमार हूँ। उसी जगह कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं तब भी कहते हैं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और मैं जल्द ही स्वस्थ हो जाऊँगा। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको और जिंदा दिल बनाता है, आपको एक एनर्जी देता है अपनी मुश्किल दिनों में। काफी लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, मैं इस काम में कमजोर हूं। ये सब नेगेटिव सजेशंस हैं जो आप अपने दिमाग में डेवलप करते हैं। ये कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं और आपकी सिचुएशन को नेगेटिविटी और फेलियर की तरफ ले जाते हैं। हमें ऐसे थॉट्स को अवॉइड करके एक पॉजिटिव थॉट्स को लाना होगा। हमें नेगेटिव लोगों या टॉक्सिक लोगों से दूर रहना होगा। ये टॉक्सिक लोग नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव माहौल बना देते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो नुकसान अल्टीमेटली हमारा होता है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। आपको अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को पहचानना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा, ताकि आप उनसे बच सकें और आप डिसाइड कर सकें कि ऐसे लोगों के साथ मुझे कम से कम या बिल्कुल नहीं टाइम बिताना है। अगर आप अपनी प्रीशियस पॉजिटिव एनर्जी को बचाना चाहते हैं तो ये सब करना होगा। ये टॉक्सिक लोग आपकी
रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। सो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, नॉरिशिंग पीपल, दे विल लिफ्ट यू अप द लैडर ऑफ सक्सेस। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा कुछ पाने के लिए। अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करके आप कंटिन्यूअसली लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपके मेल बॉक्स में इसी तरह के वीडियो समय समय पर पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।